दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये कैसे काम करती है और इनमें क्या फ़र्क होती है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगभग सेम ही होती है, मगर ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों से अलग होती है। ठीक है, इसमें आप देखोगे पी एस मतलब प्राइमरी वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी वायरिंग अलग है। इसमें भी सिर्फ प्राइमरी वायरिंग अलग है, सेकेंडरी वायरिंग अलग है। ठीक है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होती है उसमें एक ही वायर से सेकेंडरी भी बनाया जाता है और प्राइमरी भी। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी हो गया एक ही वायर, उसी वायर से यहाँ सेकेंडरी वायर यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आप अपने मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर में देख सकते हो, मैनुअल में या ऑटोमेटिक में आप देख सकते हो। उस दोनों में ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल के बाद कुछ टर्न दे के उसके बाद पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, यहाँ टर्न दे दे के निकाला जाता है, तो एक ही वायर से। ठीक है, तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, और स्टेप डाउन ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग अलग होता है, तो यहाँ से स्टेप डाउन होके मान के चलो कि ये 12 वोल्ट एसी निकलेगा, ये 6 वोल्ट एसी निकलेगा, और ये मान के चलो कि 9 वोल्ट एसी निकलेगा, ये मान के चलो कि 24 वोल्ट निकलेगा, मान के चलो कि ये 30 वोल्ट निकलेगा, मल्टीपल स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि प्राइमरी में करंट एसी लेके सेकेंडरी में स्टेप डाउन करके हमको जितना वोल्टेज चाहिए उसके अनुसार टर्न हम दे के वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी लगभग इसी के जैसा होता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होगा ये वाला, और यहाँ पे सिर्फ 3 वायर दिखेगा, या तो 12012 का या तो 24024 का। ये ऑटो ट्रांसफार्मर मैं खाली यही बता रहा था कि ये तीनों ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कैसे काम करती है और क्या फ़र्क होती है इन तीनों में। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा आएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टेप अप का कनेक्शन कैसे होता है और स्टेप डाउन का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।